लिखो एडिंग लिखो, गौर से लो। पहले समझा देता हूँ फिर स्टेटमेंट लिखवा दूंगा। मान लो ये कोई क्लोज्ड सरफेस है, कैसा भी हो सकता है, कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, याद रखना कर्व नहीं है, सरफेस है, 3D में क्लोज्ड सरफेस, उसका शेप कैसा है कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें मान लो चार्जेस रख दिए Q1 Q2। तो भाई नेट तो बस गॉस लॉ बस यही बताता है कि ये बता, तुमने भाई लो स्पेस में बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, अब तुम अपने दिमाग में कोई भी सरफेस सोच लोगे ना, सरफेस रियल होने की जरूरत नहीं है, इमेजिनरी हो सकता है, मैंने कोई भी इमेजिनरी सरफेस अपने दिमाग में सोच लिया जो इन दोनों चार्ज को कवर कर रहा है। अब मैं पूछूंगा इस इमेजिनरी सरफेस से नेट फ्लक्स कितना है, तो गॉस लॉ बोलता है कि जो नेट फ्लक्स होगा वो होगा तुम्हारा Q1/ε0 + Q2/ε0, बस इतना ही होगा। मतलब वो कहता है कि जो फ्लक्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, उस पर ही डिपेंड करेगा, बाहर वाले चार्जेस से कोई फ्लक्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, अगेन सोचो, जितना एंटर करेगा उतना बाहर निकल जाएगा, तो जो चार्जेस उस क्लोज सरफेस के बाहर है उनके कारण कोई फ्लक्स नहीं आएगा, जितना भी फ्लक्स आएगा वो अंदर वालों के कारण आएगा। और यहाँ पे एक काम करते, दोनों तरीके के मान लेते हैं, Q1 और -Q2 मान लो, तो कितना हो जाएगा, समझ में आ गया, नेट फ्लक्स इतना होगा इस क्लोज सरफेस से। ये लिखो फिर मैं स्टेटमेंट लिखवाता हूँ। देखो गॉस लॉ स्टेट्स दैट नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। और यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, फ्लक्स बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव है, अंदर आएगा तो, इसलिए अपन ने नेगेटिव चार्ज को के साथ नेगेटिव लिया है, क्योंकि जब नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कारण अंदर आ रही होगी, तो हमने नेगेटिव भी लिया है उसके साथ, तो वो सब आप सब अपने आप एडजस्ट हो गया ना, तुम चार्ज साइन के साथ लोगे याद रखना। तो गॉस लॉ क्या बोलते हैं भाई, सीधा एक स्टेटमेंट में अपन बोले तो नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सर्फेस इज Q एनक्लोज, टोटल एनक्लोज चार्ज जितना भी है, डिवाइडेड बाई ε0। ये तुम्हारा गॉस लॉ है, पर इसमें लॉ जैसा क्या है, ये तो हमने कूलम्स लॉ से ड्राइव ही कर लिया था, इसमें लॉ वाली क्या बात है, फिर लॉ तो तब बोलते हैं ना जब कोई नई चीज़ बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल कोई नई इन्फॉर्मेशन। तो हाँ भाई देखो, गॉस लॉ कुछ भी 1% भी ज़्यादा नहीं बताता कूलम्स लॉ से, पर ये मैथमेटिकली बहुत सिंप्लीफाई कर देता है चीज़ों को, तो एक तरह से तुम इसको मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी कर समझ सकते हो ना। कूलम्स लॉ से करने में बहुत खतरनाक इंटीग्रेशन आ जाएंगे, कई तो तुमसे सॉल्व भी ना हो, पर कूलम्स लॉ उन सारी चीज़ों को बहुत आसान कर देता है, तो एक नया तरीका है ना देखने का। तो लिखो गॉस लॉ गिव्स नो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कंपेयर्ड टू कूलम्स लॉ। सेकेंड लिखो, गॉस लॉ एंड कूलम्स लॉ कैन बी ड्राइव्ड यूजिंग ईच अदर। मतलब तुम अगर गॉस लॉ को ट्रू मान लो तो उससे तुम कूलम्स लॉ को ड्राइव कर सकते हो, कूलम्स लॉ को ट्रू मान लो तो गॉस लॉ को ड्राइव कर सकते हो, पर दोनों अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए थे ना इंडिपेंडेंटली। अब यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं है, ठीक है। Q enclosed by epsilon naught। अच्छा एक चीज बताओ, हम बोल रहे हैं भाई बाहर वाले जो चार्जेस इस क्लोज्ड सरफेस के बाहर है उनके कारण कोई फ्लक्स नहीं होगा, इनके कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी क्या, या नहीं होगी? इस सरफेस पे जैसे मान लो इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इन दोनों के कारण आएगी क्या? सारों के कारण आएगी ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण आएगी E1, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण आएगी E2,
इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण भी आएगी ई थ्री, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण भी आएगी ई फोर। तो जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इन चारों चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वेक्टर एडिशन होगा। तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनसाइड और आउटसाइड सारे चार्जेस के कारण होता है, पर आउटसाइड चार्जेस का फ्लक्स जीरो होता है। दोनों चीज़ों में फर्क है, फ्लक्स जीरो होना और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना। तो लिख लो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, क्योंकि ये मिसकंसेप्शन आ जाता है बस अपने आप ही, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट ड्यू टू बोथ द चार्जेस इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लोज सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट ड्यू टू चार्जेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द सरफेस, बट फ्लक्स ड्यू टू आउटसाइड चार्जेस इज जीरो, बट फ्लक्स ड्यू टू आउटसाइड चार्जेस इज जीरो। तो फ्लक्स सिर्फ इनसाइड वाले चार्जेस के कारण आता है ना, पर इलेक्ट्रिक फील्ड सभी के कारण आती है। समझ में आ रहा है ना फ्लक्स जीरो क्यों होता है इनके कारण? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओगे, अरे सरफेस कैसा भी हो क्या फर्क पड़ता है? देखो अल्टीमेटली जितना एंटर कर रहा है वो बाहर तो निकल ही रहा है। कोई भी लाइन बना लो तुम, जो भी इसमें एंटर करेगा वो बाहर निकलेगा, तो जीरो है कुछ डाउट आ रहा है समझ में? ठीक है, फिर क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द नेट फ्लक्स ड्यू टू हेमिस्फेरिकल सरफेस। फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस, कितना आएगा बताओ? फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस, चार्ज इज कैप्ट एट इट्स सेंटर, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, है ना? क्यों? क्योंकि इसमें से जो भी निकल रही होगी वो तो हर डायरेक्शन में निकल रहे हैं, पर पास कौन से करेंगे? ये नीचे वाले तो इस सरफेस से पास नहीं कर रहे, सिर्फ ऊपर वाले कर रहे हैं। इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? कूलम्स जो गॉस लॉ है वो तो सिर्फ क्लोज सरफेस पे बोलता है। तो क्या इमेजिन कर लो इस हेमिस्फीयर को, क्या कर लो अपनी इमेजिनेशन में कंप्लीट कर लो। तो जैसे ऊपर आधा स्फीयर था वैसे ही आधा स्फीयर नीचे लगा दिया, अब इस पूरे स्फीयर से कितना पास कर रहा है? गॉस लॉ क्या बोलता है? अब ये क्लोज सरफेस बन गया ना, तो ये जो पूरा स्फीयर है उससे कितना पास कर रहा है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सोचो ये ऊपर वाला स्फीयर और नीचे वाला स्फीयर सिमेट्रिकल भी तो है, सिमेट्री है ना यहाँ पे, तो जितना ऊपर से पास करेगा उतना ही, मतलब दोनों से सेम पास कर रहे हैं, मतलब आधा इससे पास करेगा आधा नीचे से पास करेगा, तो हमारे पास आंसर आ गया क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। आ रहा है समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये स्क्वायर प्लेट है ना, ए स्क्वायर प्लेट, और यहाँ से ए बाई टू डिस्टेंस पे मैंने एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा, देखो चार्ज ऐसा है और प्लेट ऐसी है, ये समझ जाओ ना, ठीक है? मतलब ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है, ये रोटेड लाइन बनाई है, ये परपेंडिकुलर है, आया समझ में? फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू स्क्वायर प्लेट, हाँ क्यू बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट। सोचो वो जितने जल्दी तुम इमेजिनेशन में कंप्लीट कर लोगे क्लोज सरफेस को सही तरीके से उतने जल्दी आंसर आ जाएगा। हो गया, कैसे करेंगे? सोचो इसका एक बना लो, इसको एक क्यूब जैसा बना लो, ऐसे सोचो ना, इमेजिनरी क्यूब बना लो एक, क्योंकि वो डिस्टेंस देखो ये ए दिया और ये ए बाई टू दिया है, इससे ये बहुत आसान हो गया। क्योंकि अगर मैं ये क्यूब बना लूँ जिसकी एज लेंथ ए है, और मान लो ये वो सरफेस है बाकी सब इमेजिनरी है, तो तुम्हारा जो सेंटर होगा वो कितने डिस्टेंस पे होगा यहाँ से? ये समझ में आ रहा है? क्यूब से ए बाई टू, और इन्होंने भी ए बाई टू पे रखा है, तो ये तो बहुत आसान हो गया। इस पूरे क्यूब से कितना पास कर रहा है ये बताओ, पूरे क्यूब से कितना पास करेगा? गॉस लॉ है ना, क्लोज सरफेस है, अंदर कितना चार्ज है? क्यू एनक्लोज्ड इज क्यू, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और अब देखो ऐसे कितने सरफेस हैं? छः, और छः के छः आइडेंटिकल हैं, तो छः में से इक्वल पास करेगा, हर एक में से क्यू बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट पास करेगा, हमसे इसमें से पूछा गया है, तो कितना आ जाएगा? क्यू बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट। आ रहा है समझ में? तो बस इस तरह से तुम्हें कंप्लीट करके करना है, बहुत आसान हो जाता है वो, कहीं ना कहीं हो ही रहा होता है वो कंप्लीट किसी ना किसी तरीके से।
इसमें सोचो अगर इस डिस्टेंस को a बाई टू की जगह b कर दें, आप कैसे करोगे? अब डिफिकल्ट हो जाएगा, अब यहाँ पे तुम्हें इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा। कैसे करोगे बताओ, समझ में आ रहा है? ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि ये क्या बनेगा, क्यूबॉइड। हाँ बोलो, तुम बोलो बेटे। हाँ तो तुम बता नहीं सकते ना, ये जो चार सरफेस है इन चारों सरफेस में सेम जाएगा, इन दोनों सरफेस में सेम जाएगा, पर इनका रेशियो क्या है वो कैसे निकालोगे? आंसर तो उस पर डिपेंड करेगा ना, और रेशियो मत कहना एरिया का रेशियो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ भी कम हो रही है और वो ऐसे सर्कुलर भी नहीं है, वो एजेस हैं, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना। तुम ये बोल सकते हो कि उस क्लोज वॉल्यूम से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पास होगा, पर उस सरफेस से कितना होगा वो कैसे निकालोगे? हाँ इसलिए ना ये तरीका है ना, इसलिए तो दिमाग लगा के कर रहे हैं, हर कुछ नहीं बना रहे। हर कुछ बना लोगे तो तुम टोटल से तो बता सकते हो, पर उस पार्ट से कैसे बताओगे, यही तो क्वेश्चन है। तो यही स्मार्टली करना है तुम्हें। देखो इस बार क्या कर रहा हूँ मैं, एक चार्ज है ना, इसकी मान लो कुछ भी मान लो भाई, ए मान लो ना, क्यूब है, ये क्यूब है, लेंथ है, ए चार्ज इज कैप्ट एट वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब। कॉर्नर पे रखा है तुमने चार्ज को, बिल्कुल कॉर्नर पे, ना जस्ट अंदर ना जस्ट बाहर, एग्जैक्टली कॉर्नर पे रखा है ना, एग्जैक्टली एट, बताओ, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। क्यू बाई एट कैसे? इसको ऐसे सोच लेना, कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह, समझ पा रहे हो? ये आठ क्वाड्रेंट होते हैं ना 3D में, 3D में आठ क्वाड्रेंट हो जाएंगे ना। मैं बना ही देता हूँ भाई एक बड़ा सा व्यू, देखो बड़ा सा व्यू बना लो तुम। अच्छा उनको क्वाड्रेंट्स नहीं बोलेंगे पहली बात है ना, अगर आठ हो गए तो ऑक्टेंट्स बोलेंगे, क्वाड्रेंट मतलब चार हो गए ना। तो इन सब के सेंटर ज्वाइन कर लो भाई, तो ये इसका सेंटर ये है, तो ये ओरिजिन हो गई तुम्हारी है ना। क्या अरे अब तो सारे हो गए ऐसे, सारी लाइन करते हैं। पता नहीं क्या दिख रहा है, ठीक है चलो हो गया, जो बंदा था समझ गया कि अपना 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 क्यूब ये है, नहीं अपना क्यूब ये है, देखो ये अंदर वाला क्यूब है और हमने चार्ज को यहाँ पे रखा है, तो देखो ऐसे आठ क्यूब्स बन रहे हैं, आ रहा है समझ में? अरे ऐसे देखो ना, ये एक्स एक्सेस है, ये तुम्हारी वाई एक्सेस हो गई, ये तुम्हारी, अच्छा ये वाली लाइन रह गई थी ना, ये वाली लाइन रह गई, तो इसको भी बना देते हैं लो, ठीक है, ये तुम्हारी जेड एक्सेस हो गई, तो तुम्हारा यही था यहाँ पे तुम्हारी एक्स, ये अपना अंदर वाला क्यूब है ना, अपना क्यूब ये अंदर वाला है, ठीक है, अंदर वाला क्यूब मतलब अपन ने इसको एक्स माना है, इधर पे जेड माना है और ये वाई माना है, तो ये पार्ट उठा के यहाँ पे रख दो अंदर की तरफ, तो ये हमारा क्यूब है ना। तो ऐसे आठ पार्ट्स है ना, अगर इसको रखेंगे, इसको बाहर रख देंगे, तो ये बड़े वाले क्यूब से टोटल कितना पास होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और उसमें ऐसे कितने क्यूब आ रहे हैं, आठ क्यूब आ रहे हैं, चार नीचे चार उसके ऊपर, तो कितना हो जाएगा टोटल, क्यू बाई एट एप्सिलॉन नॉट, इस एक सिंगल से कितना पास करेगा, क्यू बाई एट एप्सिलॉन नॉट। देखो आया समझ में? नहीं आया तो मैं फिर से समझा दूंगा, बताओ किसको नहीं आया, नहीं आया तुम्हें ना, अच्छा तुम ये समझ ही नहीं पा रहे स्ट्रक्चर, अच्छा मेरे को क्यूब चाहिए, सोचो एक क्यूब है ना, एक क्यूब यहाँ रखा, एक क्यूब यहाँ रखा, एक क्यूब यहाँ रखो, एक क्यूब यहाँ रखो, ये चार हो गए, इनमें से एक क्यूब के, एक क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, ये वाला एक क्यूब यहाँ पे रखा है, इसके इस कॉर्नर पे चार्ज है, एक क्यूब यहाँ, एक क्यूब यहाँ, एक क्यूब यहाँ, फिर उसके ऊपर भी ऐसे ही रख दिए, तो टोटल कितने क्यूब हैं, आठ। अब जो चार्ज रखा था वो एग्जैक्टली इन आठों के सेंटर पे हो गया ना, तो पूरे बड़े वाले क्यूब से कितना पास कर रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये बड़े क्यूब, अरे गौसलो है ना, इस बड़े क्यूब के, देखो इस पूरे क्यूब के अंदर नहीं है ये चार्ज, तुम नहीं बोल सकते ये चार्ज इस क्यूब के अंदर नहीं है, बात ये है, अगर ये इस क्यूब के अंदर होता तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पास करता है इस क्यूब से, ये इसके बिल्कुल एग्जैक्ट कॉर्नर पर रखा हुआ है, पर अब जो बड़ा वाला क्यूब बनाया है उसके तो वो एग्जैक्टली अंदर है ना, तो उस पूरे से तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पास करेगा,
और उस पर ऐसे आठ सिमेट्रिकल है ना, उस चार्ज के अराउंड आठ क्यूब बिल्कुल सिमेट्रिकली रखे गए हैं, तो सिमेट्री से मैं बोल सकता हूँ हर एक से इक्वल पास करेगा, तो एक क्यूब से क्यूब बाई एट एप्सिलॉन नॉट पास करेगा। आया क्या समझ में? ठीक है, सोचो अगर यहीं पर मैं अगला क्वेश्चन ले लें, ये जो चार्ज क्यू है ना, इसको जस्ट आउटसाइड रख दिया ना, जस्ट आउटसाइड रख दिया, तो बताओ फ्लक्स कितना होगा क्यूब से? बिल्कुल उस कॉर्नर के जस्ट बाहर रखा है, कितना होगा? जीरो, है ना। अगर हल्का सा भी बाहर तो नेट फ्लक्स हो गया जीरो, जब एग्जैक्ट कॉर्नर पे था तो क्यू बाई एट एप्सिलॉन नॉट था, पर जैसे ही बाहर कर दिया तुमने, इतना सा भी खिसका दिया उसे, तो जीरो हो जाएगा तुरंत। यहीं पे क्या कर सकते हो तुम, अगर इसको तुमने जस्ट इनसाइड रख दिया, चार्ज को कैसा रखा है हमने, जस्ट इनसाइड द क्यूब, सीधा कितना हो जाएगा फ्लक्स? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब जस्ट बाहर करा तो जीरो, जस्ट अंदर करा तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि गॉस लॉ की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, पर एग्जैक्टली कॉर्नर पे रखा तो क्यू बाई एट होगा। चलो कुछ क्वेश्चन का फटाफट जवाब देते जाओ, चलो बस छोड़ ही देते ना जल्दी से इनके, बस ऐसे ही देख के जवाब देना है। मानो अगर क्यूब के फेस पे रख दूं, यहां पे रख दूं, फेस पे रख दिया प्लस क्यू, कितना आएगा? क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके बिल्कुल इधर पे एक क्यूब मान लो, दोनों से टोटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, और सिमेट्रिक तो एक से कितना आएगा, समझ में आ रहा है? तुम्हें जो भी मानने वो सिमेट्रिकल मानने, समझ में आया क्या? सरफेस पे रखा तो क्यूब आए टू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक सरफेस दो क्यूब शेयर कर रहे हैं ना, चार नहीं कर रहे शेयर, सरफेस को कितने शेयर करेंगे? दो करेंगे, एक ही आएगा यहाँ पे, बिल्कुल बन गया, सही बात बोल रहे हो। पर अब जो क्यूबॉइड बना, उसके जो बाहर के छह सरफेस हैं वो क्लोज वॉल्यूम बना रहे हैं, उस क्यूबॉइड के अंदर है क्या ये चार्ज? नहीं है, क्यूबॉइड के अंदर, क्यूबॉइड के तो अंदर है ना, तो उस क्यूबॉइड से तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पास करेगी, गॉस लॉ से बोल सकता हूँ, जो क्यूबॉइड का जो आउटर सरफेस है उसके अंदर रखा है चार्ज, तो टोटल क्यूबॉइड से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पास करेगी, ये पक्का है। और सोचो ये दोनों क्यूब क्या सिमेट्रिक हैं, तो बोल सकते हैं दोनों से आधा आधा पास करेगी, तो इसमें से कितना पास करेगा? क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, कब? जब तुमने कहाँ रखा है? सरफेस। अगर सोचो एज पे रख दो, क्यू डैश रख दिया एज पे, एक एज को चार क्यूब शेयर करते हैं ना, सरफेस को दो करेंगे, एज को चार करेंगे और कॉर्नर को आठ करेंगे, तो इससे कितना पास होगा? क्यू डैश बाई फोर एच। आ रहा है समझ में? अभी थोड़ी थ्री डी एज में खाना करना है ना, वो ब्लॉक्स आते थे कुछ खेलने के, उनसे बना बना के देख लेना, कुछ समझ में आ जाएगा, या फिर चार आठ क्यूब रख लेना कहीं से।